हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और शिरडी से हम आ गए हैं वापस। दो दिन हो गए हैं, पर क्योंकि व्लॉग नहीं बनाया था, काफ़ी थक गई थी। और वहाँ पर भी मेरे पास मंदिर के कुछ एक्स्ट्रा व्लॉग थे, तो मैंने वो डाल दिए थे। अभी मैं आई हूँ बाज़ार से सब्जी लेके, और क्योंकि घर में सब्जी थी नहीं, तो मैंने सोचा क्या बनेगी, अब क्या बनाऊँ। तो एक मैं लाई हूँ भिंडी, और ये गोभी और तोरी। तो एक मुझे भिंडी बता रहा 60 रुपए किलो, और आगे मिल रही थी 40। तो ऐसे ऐसे भी लूटते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर के गैप में भी, मतलब इतना भी डिफरेंस नहीं रखना चाहिए, थोड़ा 5-10 रुपए का हो तो चलता है। और मैं करेले ले आई हूँ वापस से, जो कि मैंने जाते वक्त बनाए थे शिरडी में। तो मैंने सोचा आज फिर ना मैं दाल चावल के साथ थोड़े करेले बना दूँ। लहसुन अदरक भी बहुत महंगे हो रहे हैं, 60 रुपए पाओ हो रही है अदरक का रेट। यहाँ तो हमारा वैसे तो 25-20 रुपए चलता है, जब गर्मी होती है, ठंड होती है, ठंड में अदरक ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अब इतना महंगा हो रहा है। और ये लाई हूँ मैं करेले, तो मैं करेले बनाऊँगी थोड़े दाल चावल के साथ। अभी दो बिस्कुट के पैकेट अपने बाबू के लिए, उसे मैंने इतना ओवर खिला दिया, उसने वॉमिट कर दिया, वो सो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ रसोई की तरफ प्रस्थान करके। तो प्राची जी ने किचन साफ कर दिया, मैंने अभी फैला रखी थी, और क्योंकि मैंने आज वीडियोस बनाई थी तो मैंने अपना कमरा भी यहाँ फैला दिया था। तो ये कह रही है मैं ज़्यादा फैलाती हूँ इसके चाचा की तरह, और मेरा गला ख़राब है, इस वजह से मैं बहुत अपसेट चल रही हूँ, क्योंकि मेरा गला ठीक ही नहीं हो रहा है और मैंने दवाई भी बहुत ज़्यादा खा ली है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा आराम नहीं है हुआ है, पर अभी बहुत ज़्यादा पेन है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना शाम का, और बच्चे आने वाले हैं मेरे ट्यूशन से अभी। तो अब मैं बना रही हूँ, मैंने सोचा कौन सी दाल बनाऊँ, हरण मसूर की दाल बना रही हूँ। बोलो प्राची जी क्या कह रहे हो? वो कौन कैल्शियम वाली दवाई दे दी। हाँ, वेरी गुड, गुड काम किया आपने। तो मैं ये दाल बना रही हूँ, और इसके साथ मैं चावल बनाऊंगी और करेले की सब्जी। मैं तो अपने करेले की आज सब्जी बना रही हूँ, मैंने ये वो यूट्यूब पे देख के ही बनाती हूँ मैं, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आती। तो करेले को पहली बार ऐसा काट के अब मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। दाल चावल मैंने बना ही दिए हैं, तो अब मैंने करेलों में नींबू और नमक मिलाया है थोड़ा सा, और हल्दी भी, और इनको 15 मिनट के लिए रख दूंगी, उसके बाद मैं इसे बनाऊंगी। फिर अभी देखते हैं इसमें कड़वापन रहता है या नहीं, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ वैसे मैं ऐसे करेले। चलो तो अभी इनको मिक्स करना है। तो मेरी दाल भी बन चुकी है, और करेले तो अभी 15 मिनट लगेंगे, और यहाँ मैं लगा रही हूँ तड़का जब तक दाल में। चावल भी ऑलमोस्ट मेरे बन चुके हैं, तो करेले मेरे अब 15-20 मिनट बाद ना ये मैंने निचोड़ लिए हैं, थोड़ा सा इसमें से पानी निकला था जो कड़वाहट को दूर कर देगा इसकी। और ये मैं कुछ मसाले हैं जो भून रही हूँ, सौंफ, कलौंजी, मेथी, जीरा, और इसको फिर मैं अदरक लहसुन के साथ मिक्सी में मोटा मोटा पीस के सब्जी रेडी करूँगी अभी। तो तेल गर्म हो गया है कढ़ाई में, और थोड़ा सा क्योंकि सरसों का तेल है तो थोड़ा ज़्यादा इसमें धुआं सा उठ जाए ना, तो इसके कच्चेपन की बदबू नहीं आती, और सरसों के तेल में जो है करेले की सब्जी अच्छी बनती है। तो इसको बस मैं फ्राई करूँगी थोड़ा सा। जब ये थोड़ा क्रिस्पी से हो जाएंगे तो इसे निकाल के फिर इसमें प्याज के साथ इसे छौंक दूंगी। तो मेरा तो खाना रेडी होने वाला है रात का, बच्चे अभी शरारत कर रहे हैं, वो कुछ भी बना लो, उन्हें मूवी बनाना होता है, तो वो खाएंगे दाल चावल, और मैं आपको बताऊंगी करेले की सब्जी कड़वी बनी है या नहीं। अगर कड़वी नहीं बनी होगी तो आप भी ऐसा ट्राई करना, क्योंकि मैंने तो ये मैंने भी सीखी है तभी यूट्यूब से ही, तो मैं ज़रा ट्राई करके देखती हूँ कि ये कड़वापन इसमें होता है या नहीं होता। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, आपको बताऊँगी कि मैं कड़वी है या नहीं, तो आप भी ऐसे ट्राई करके बनाना फिर। तो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ मैं एक तरीके से इन करेलों का, जहाँ तक मुझे लगता है कड़वी बनेगी नहीं, क्योंकि इसमें नींबू का रस और वो जो नमक हल्दी मिलाया था ना, वो पानी छोड़ा है, तो वो कड़वापन जा चुका है इसका। तो ये अब थोड़े रेड से हो गए हैं, अब इसको मैं निकाल लूंगी अलग,
तो ये मैंने अलग निकाल लिए हैं और इनमें डाल दिया है थोड़ा सा जो मैंने मसाला अभी बना के तैयार किया था, तो वही मसाला मैंने इसमें थोड़ा भून लिया है। इसे भुना हुआ तो था ही, ये मैंने पेस्ट जो मोटा मोटा बनाया था। और इसमें मैं डाल दूंगी यही प्याज कटेगी, प्याज से भी थोड़ा मिठास आ जाती है करेले में ना, तो देखो अब ये करेले बनते कैसे हैं। अब इसको भी जब तक ये रेड होगी जब भूनूंगी, और इसमें बाकी का फिर जैसे नॉर्मल सब्जी बनती है सारे मसाले ऐड करके हल्दी मिर्च नमक डाल के वैसे बना दूंगी। क्या हो गया बताओ, ये मेरे वेट में खड़ी है। तो ये बच्चे कुछ ना करते रहते हैं, साथ में खाना बनाते बनाते इन्हें भी हैंडल करना पड़ता है। तो जब तक ये भून रही है थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो मैंने इसमें सभी ऐड कर दिया है, प्याज भूनते ही हल्दी मिर्च नमक भी ऐड कर दिया है, और बस अभी इसे मिला के मैं रख दूँगी ढक के। तो मेरा बाकी खाना तो रेडी है, और कच्चे भी जो करेले थे वो भी थोड़े पक चुके हैं, तो 10 मिनट में हो जाएगी मेरी सब्जी रेडी। तो अब मैं आपको जब खाऊंगी ना जब भी बताऊंगी कि ये करेले कड़वे बने हैं, यानी देखने में तो ये अच्छी लग रही है पर असलियत इसकी तभी पता चलेगी कैसी बनी है। और बच्चों को भी ना, बच्चों को तो नहीं, प्राची को भूख लग गई है बस करेले देख के ना, और मुझे भी लग ही गई है। तो बस जल्दी से ये बन जाए। तो मैं तो अपने करेले टेस्ट करके बताऊं कैसे बने हैं। छोटी की प्लेट में ही मैंने डाल लिया था, हल्का कड़वापन है पर सही लग रहे हैं खाने में। तो दाल चावल के साथ मिला के खाती हूँ एक निवाला, वैसे मैंने सूखा खाया था अभी। सही लग रहे हैं। तो मैंने खाना खा लिया, अब ये लोग खाना खा रहे हैं, तो ये अपने बच्चों के हाथ से खाते हैं। देखो कैसे खिला रहे हैं इनको, ये बस ऐसे ही खिला रहे हैं गुचड़ मुचड़ का। ये छोटे को ज्यादा मजे आते हैं ये काम करने में, है ना। देखियो क्या हालत करी है प्लेट की। क्या मैं अब रसोई साफ कर रही हूँ। छोटे बहुत ही बुरी तरीके से खिला रहे हो, चम्मच से खिला लेते बाबू। चलो अब खिला दो, अब खा लिया तुमने तो खा ही दिया सारा। ऐसे खा रहे बाबा जूस के साथ, जैसे जूस पी रहा हूं ना। ठीक है। और मैं तो थी रसोई में बिजी, और यहाँ साइड में ना प्राची जी ने सारे बर्तन मांज दिए। मेरी बहुत हेल्प करा देती है लड़की, तो भगवान इसे अच्छा कर दे, वैसे अच्छा पति दे, मैं तो यही दुआ दे सकती हूँ। और मिलेगा भी, क्योंकि जब बोलते रहते हैं ना कुछ लोग, मुझे कहते रहते थे ऐसे जब मैं किसी का कुछ करके हेल्प करती थी, तो इसका मतलब है मुझे अच्छा पति मिला है। हाँ अच्छा है। तो इसे भी अच्छा मिलेगा क्योंकि मेरी बहुत हेल्प करती है हर चीज में। तो चलो अब हमें क्या करना है, मुझे बस करना है ये दूध गर्म, अब मेरा रसोई का काम हो जाएगा थोड़ी देर में फिनिश।